शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। गर्ग भवन का वारिस। सच कहते हैं लोग, एक बार चरित्र पर धब्बा लग जाए तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तुम लोग को अब भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है ना? होती है जलन, होती है। जब तुझे अंजलि के साथ देखता हूं बहुत जलन होती। जी करता है जिस हाथ से तू अंजलि को छू रहा है उसे तोड़ दो, पर मैंने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया है। कहा था ना गोवा में तुमसे कि नहीं आऊंगा तुम दोनों के बीच, बढ़ाया था ना दोस्ती का हाथ तुम दोनों की तरह। इतना परेशान होने वाली बात नहीं है यश, घर से थोड़ी ना निकाल रहा हूं तुझे। नहीं समझा, आज से तुम और अंजलि दोनों अपने बेडरूम में रहोगे। अरे यार मेरा दिमाग घूम गया था जो तुम्हारे कमरे पर मैंने कब्जा कर लिया, सॉरी यार। नहीं चाहिए मैं अपना कमरा, तू बस हमसे दूर रह और आज के बाद हम तेरे कहने पर कुछ नहीं करेंगे। अरे यार यश मुझसे इतनी नफरत क्यों? नफरत? ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से तो हो रहा है, तुम्हारे कहने की वजह से हो रहा है। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं वहां एक्सीडेंट साइट से भागा, तेरी वजह से मैं खुद को गुनेगार समझने लगा हूं। जब से मैं वापस आया हूं बस मेरे मेरी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा है। तेरे कहने की वजह से उस आदमी को मैं उस हालत में वहां छोड़कर भाग आया, जैसे कि उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। शांत 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 हो जा मेरे भाई, शांत। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं दिखी, निकल यहां से। जा रहा हूं, शांत हो जा। गुनहगार समझना बंद कीजिए, पूरी दुनिया भले आप पे विश्वास न करे लेकिन आपकी अंजलि हमेशा आपके साथ। कितनी बार पूछूं तुमसे कि तुम चाहती क्या हो? तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे छिपी काली सूरत को सबके सामने लाना चाहती हूँ। नहीं नहीं प्लीज तुम ऐसा मत करो, मेरा परिवार टूट जाएगा। मेरे किए की सजा तुम इन्हें मत दो प्लीज। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे तो जो मैं कहूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मुझे? मैं तुम्हें अभी वीडियो कॉल करूंगी, मेरे सामने अपनी बीवी को जोर का थप्पड़ मारना। ये क्या मजाक है ये ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? जो कहा है वो चुपचाप करो, पता अभी के अभी तुम्हारी बीवी को फोन करके सब कुछ बता दूंगी। नहीं 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 समझ कर तुम टाइम वेस्ट मत करो सुबोध, मैंने जो कहा है वो जल्दी करो। अलका, अलका, अलका जल्दी आओ। बुला रहे थे आप?
सब क्या है आंटी? बदला। हमारी बेटी को हमसे अलग करने का बदला। पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची। यशी हमारी माँ को ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। हिमांशु चाचू ने भी लाला जी को बताने के लिए मना किया है। क्या लाला जी को पता होगा कि हम और सुबोध एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उसने अलका से शादी कर ली। पेट में पल रहे हमारे प्यार के निशाने को जन्म देकर हमने अनाथालय भेज दिया। उसी दिन से हमने हमारे असली नाम सुधा तिवारी को हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, और फिर मधु देवी के नाम से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अलका, मुझे माफ कर दो। अलका, आपने मुझे मारा क्यों? से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पता नहीं अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैं तुम मुझे मारो, मुझे मारो, जितना चाहे उतना मारो, मारो, मारो। ये अचानक आपको क्या हो गया? क्या हो रहा है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सब गड़बड़ हो रहा है, सब। मैं जानती हूँ आप ऋचा को लेके परेशान हैं, मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है, पर हम दोनों को बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। चलिए रिचा के पास चलते हैं। चलिए। यश की तबीयत कैसी है अंजलि? अभी ठीक है काकी, आराम कर रहे हैं। हम ये छोटी दादी के लिए पालक का सूप बना देते हैं। रहने दो, तुमने शायद गोवा से आने के बाद ध्यान नहीं दिया, छोटी दादी घर पर नहीं। हाँ, वो छोटी दादी कहीं दिखाई नहीं दी। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी घर छोड़कर चली गई। ऋचा, लगता है ऋचा बाथरूम में है, तब तक उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, पता तो चले लिखा क्या है। क्या हुआ, रिपोर्ट में क्या लिखा है? घर छोड़कर चली गई, मतलब वो किसी को कुछ बताकर नहीं गई है, बस एक चिट्ठी छोड़कर चली गई है। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।